वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी आरती वर्मा। सो आज की वीडियो होने वाली है मीशो टी शर्ट्स हॉल, जो कि सभी टी शर्ट्स मैंने अंडर 300 रुपीज़ बाई की हैं। सो मैं आपको उनका रिव्यू एंड ट्राई ऑन हॉल होने वाली है, तो मैं आपको उनका मटेरियल एंड वो कैसी आई हैं, उनका फैब्रिक कैसा है, मुझे कैसी लगी, तो मैं आपको सब कुछ इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स जंप टू द वीडियो। सो फर्स्ट टी शर्ट इज़ दिस। सो ये टी शर्ट मैंने वाइट कलर में परचेज की है, इस पर ब्लैक कलर की ये लाइन्स हो रही हैं, और इसका मटेरियल कॉटन है। इसका प्रिंट मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था, पिक्चर में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, बट मुझे इसका नेक डिज़ाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। बिकॉज आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर मैं वीडियो इंसर्ट कर दूँगी, कि मतलब थोड़ा लूज से हो रहा है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। बट ओवरऑल इसका प्राइस है समथिंग 260 के अंडर, यहाँ स्क्रीन पर आपको मेंशन हो जाएगा, और ये कॉटन मटेरियल में है। मुझे इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा लगा, ये आपको फुल स्लीव्स में मिलेगी, और बाकी ओवरऑल ये बहुत अच्छी है, मुझे अच्छी लगी। बस मुझे थोड़ा इशू था इसके नेक से, सो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको ये अच्छी लगे तो आप इसे बाय कर सकते हैं, वैसे इसमें कुछ भी ख़राबी नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पर ये मुझे बहुत अच्छी लगी। इसे वैसे मैंने एक्सेस साइज़ में, एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया था। वैसे मुझे स्मॉल साइज़ आता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्मॉल मैंने इसलिए बाय किया था बिकॉज टी शर्ट थोड़ा लूज़ अच्छा लगता है, बट मुझे ये इस तरीके की फिटिंग आई है, मुझे ओवरऑल अच्छी लगी। और अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो आप इसे बाय कर सकते हैं। टी शर्ट है ये, मुझे इस तरीके के पैकेट में रिसीव हुई थी, एंड ये ब्लैक कलर में है, और ब्लैक कलर मेरे पास ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे मेरा फेवरेट कलर है ब्लैक। इसकी क्वालिटी, ओ माई गॉड, ये बहुत अच्छी क्वालिटी में मुझे रिसीव हुई है, वो भी इस प्राइस में अंडर 200 रुपीज़। इसमें कोई भी ख़राबी नहीं है। इसकी स्लीव से आपको इतनी स्लीव्स मिलेंगी, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सो इसका नेक भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका नेक भी थोड़ा टर्टल नेक है, उस वाले लास्ट जो टॉप दिखाया था मैंने आपको उसकी तरह, लेकिन वो थोड़ा लूज़ हो रहा था। मैं आपसे यही बोलना चाह रही थी, इसका फिटिंग और इसका फिटिंग देखिए आपको कितना फ़र्क दिख रहा है, एंड इसकी फिटिंग, इसका मटेरियल बहुत 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 अच्छा है। एंड इसका मटेरियल है कॉटन ब्लेंड, एंड मैंने इसे एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ में परचेज़ किया है। अगर आप इस हॉल में से किसी चीज़ को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। ये एक दो कलर्स में और अवेलेबल है, मे बी शायद रेड येलो, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँगी, और ये मुझे बहुत पसंद आई है। सो प्लीज़ आप इसे बाय कर सकते हैं, हाईली रिकमेंड। नेक्स्ट टी शर्ट्स दिखाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, ये टी शर्ट का मैंने कॉम्बो परचेज़ किया था, वो भी 420 रुपीज़ में मुझे 3 टी शर्ट्स रिसीव हुई हैं। ये तीनों टी शर्ट्स हैं, ये बहुत ग्रेट डील है, सो आप ज़रूर इसे बाय कर सकते हैं, एंड आई एम हैप्पी विद दिस। आप इसको घर में, मार्केट जाते टाइम आप कभी भी इसे पहन सकते हो, ये बहुत कंफर्टेबल हैं। फर्स्ट टी शर्ट इज़ दिस ब्लैक वन, तो मैंने आपको बताया था ब्लैक तो मेरा फेवरेट है। सो दिस इज़ अ टी शर्ट, वाओ, लाइक इसका मटेरियल इतना सॉफ्ट है, इसका मटेरियल, इसका नेक, और ये थोड़ा ओवरसाइज है। इसका प्रिंट मुझे बहुत अच्छा लगा, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है, और मतलब जस्ट वाओ, आप देखिए इसका नेक डिज़ाइन, सब कुछ ओवरऑल ये बहुत अच्छा है। इस प्राइस पॉइंट पर लाइक आपको 150 रुपीज़ में एक टी शर्ट मिल रही है, मतलब 150 रुपीज़ से भी कम आपको एक टी शर्ट मिल रही है, तो क्या ही बुरा है। टी शर्ट इज दिस रेनबो प्रिंट, टाइड है रेनबो प्रिंट टाइप, ये भी बहुत अच्छी लगी मुझको, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी है। इसका साइज़ एंड इसका प्राइस सब कुछ, इसका तीनों टी शर्ट का फैब्रिक बिल्कुल सेम ही आया है, एंड आप देख सकते हैं इनकी स्लीव्स की लेंथ कहाँ तक है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छी लगी, ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, बट दिस इज़ माई फेवरेट। इस कॉम्बो में से ही मुझे बहुत अच्छी लगी, ये वाली मेरी फेवरेट है, लेकिन ये भी बहुत अच्छी है, इसका प्रिंट वगैरह सब कुछ काफ़ी अच्छा है ये सब। नेक्स्ट टी शर्ट इज़ दिस, ये भी काफ़ी अच्छी है, देखिए इसका भी टाइट है प्रिंट में आपको ये टी शर्ट मिलने वाली है, ब्लू एंड वाइट कलर में, सो कलर भी ब्राइट है, समर्स में आपके लिए बहुत अच्छी हैं,
लाइट वेट है एंड फैब्रिक इनका काफ़ी सॉफ्ट है, सो आप इसे बाय कर सकते हैं, हाईली रिकमेंडेड। सो बस मुझे इन टॉप्स में एक ही प्रॉब्लम आई है, जो कि है इसकी साइज़ की प्रॉब्लम। लाइक मुझे साइज़ इसके तीनों ठीक आए, लेकिन मैंने इसमें इसे स्मॉल साइज़ में परचेज किया था, लेकिन मुझे इन टी शर्ट्स में तीनों टी शर्ट्स के साइज़ डिफरेंट मिले हैं। सो मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम लगी, अदरवाइज़ ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप इस हॉल में से कुछ भी परचेज़ करना चाहते हैं, सो इस टी शर्ट को एंड इस कॉम्बो को आप ज़रूर बाय करिए, आप बिल्कुल नहीं पछताएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बाय दीज प्रोडक्ट्स। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे ये भी बता सकते हैं। एंड आपको इस हॉल में से कुछ भी पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, और इन सभी के कोड्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको इसमें से जो भी अच्छा लगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।